नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमर राजा बैटरी के बारे में। अमर राजा बैटरी भी एक बड़ी गिरावट देखने मिल रही है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर जो है पैनिक हो चुके हैं। बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि मैंने आपका वीडियो देख करके इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आपको लॉजिक बताता हूँ कब इन्वेस्ट करना है, कभी भी गिरावट होता। अब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर दिक्कत है। वहाँ पर आप इन्वेस्ट करना ही एक छोटा SIP करना है, मतलब अगर 10 स्टॉक आपको बाय करना है, अगर स्टॉक लगता है हाई प्राइस पे है तो आपको वहाँ 2 स्टॉक आपको बाय करना है। देखिए, स्टॉक पे जो फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्टॉक में गिरावट क्यों देखने मिली है। देखिए, इन्वेस्टर तो चाहता है कि स्टॉक में गिरावट हो, जब गिरावट होगा तब तो हम उसमें अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो बनाने के साथ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। वीडियो बनाया तो मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक इन्वेस्ट मैं खुद नहीं किया हूँ, मैंने दूसरे बैटरीज में किया है, दूसरे जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है उसमें किया है। उसमें हमको 100% तक वो स्टॉक ऊपर गया, मैं वहाँ पर अपना आधा प्रॉफिट भी बुक कर लिया और आधा प्रॉफिट में मैं अभी तक इन्वेस्टेड हूँ। और बैटरी के सारे शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है और सबसे ज़्यादा गिरावट इसी स्टॉक में हुआ है, अमर राजा बैटरी में। तो देखिए, इसका गिरावट जो है पहला क्या कारण है, अभी कोई डिमांड नहीं है ऑटो सेक्टर में, तो कंपनी का कोई सेल्स नहीं हो रहा है। तो पहली बात, जो पैंडमिक है उसके कारण कंपनी के बहुत सारी कंपनियों के जो सेल्स नहीं है तो उसमें आपको कम मोमेंटम दिखने मिल रहा है। अगर फार्मा सेक्टर की बात करें, फार्मा सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक जिसका डिमांड है अभी, तो बहुत सारे स्टॉक जो है 4 times 5 times हो चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक में उतना बड़ा रैली आपको देखने नहीं मिलेगा। करेक्शन होगा फिर एक रैली होगा, करेक्शन होगा फिर एक रैली होगा। तो इस तरह से आपको प्राइस एक्शन को देखना है लॉन्ग टर्म के लिए, वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए, गिरावट का जो मुख्य वजह, जो बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पर, उसका कारण क्या है, इसमें जो 24% स्टेक था। देखिए यहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होगा, तो आप अपना यहाँ पढ़ लीजिए, क्लारेसन ARBL होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसकी होल्डिंग थी 24%, इतना मिलियन शेयर, 41 million शेयर, और ये अपना स्टेक इसमें बेच रहा। आप बताइए, इतना परसेंट स्टेक बिकेगा किसी भी कंपनी में 24% का स्टेक, तो उसका स्टॉक में तो गिरावट होगा ही होगा। तो ये स्टॉक जो है उसी दिन लगातार जो है 7% डाउन हो गया। तो अब इतना परसेंट स्टेक बिकेगा तो डाउन तो होगा ही, तो यहाँ पर इसने बेचा तो किसी ने उसको खरीदा, और यहाँ पर जो भाव तय किया गया, मतलब जो प्राइस तय किया गया, वो 745 rupees के आसपास तय किया गया। अब तो स्टॉक को एडजस्ट करना ही है, इस प्राइस पे आना ही है, इस प्राइस पे आएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, कुछ थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर मार्केट में अभी गिरावट आ जाए तो ये स्टॉक 500 भी आ सकता है। तो आपको हर चीज़ सोच के चलना है। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी हाइयर प्राइस पे ही सारी क्वांटिटी को बाय नहीं कर लेना है। अब ये गलती हमसे भी होती है, हम भी गलती करते हैं इन्वेस्ट करने में। देखिए, आरती ड्रग्स 1000 rupees पर गया था, हमने 1000 बाय किया कि 1000 ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 1000 से तो वो बड़ा रैली दिखाएगा, लेकिन 1000 से गिर करके आरती ड्रग्स कहाँ गया, 650 rupees तक। लेकिन हमने उसको 900 पे ही बेच दिया, 5 quantity ही मैंने शुरू में लिया था सिर्फ, तो कितना 500 का मेरा लॉस हुआ। अब मान लीजिए हम वो 650 rupees तक आया तो मेरा लॉस अभी उसमें और बहुत ज़्यादा हो जाता, उसमें अभी और 1200 something का लॉस हो जाता। तो यहाँ पर अब मैंने फिर से आरती ड्रग्स में इन्वेस्ट किया है नीचे के प्राइस पर, फिर से मैंने उसमें छोटा ही क्वांटिटी लिया है, क्योंकि हो सकता है अभी भी वो करेक्शन कर सकता है। अगर और ज़्यादा करेक्शन किया तो नीचे के प्राइस पर हम लेंगे, ताकि हमारा जो प्राइस होगा, एवरेज प्राइस, वो एक अच्छा प्राइस होगा, जिससे कि स्टॉक उसके ऊपर आसानी से जा सकता है। तो ये बात हमेशा आपको लगाना है कि स्टॉक अगर हाई पे है तो वहाँ कम क्वांटिटी लें, अगर उसके ऊपर चला गया तो फिर क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए, अगर ऊपर चलते जा रहा है क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, अगर नीचे आ रहा है तो फिर नीचे के प्राइस आने दीजिए, पहले सपोर्ट लेगा कहीं पर तब उसमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो इसमें गिरावट का सबसे बड़ी वजह क्या थी, अभी कोई डिमांड नहीं है इस सेक्टर के, मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो जो फ्यूचर को देखता, आने वाले समय को देखता, अभी आने वाले समय में कई सारे प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको कई सारे प्रॉब्लम दिखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2-wheeler और 3-wheelers does not require lead acid battery,
लेड एसिड बैटरी जो है कोई भी रिक्वायर्ड अभी नहीं होगा। जब लेड एसिड बैटरी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो कंपनी का पहले से जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, लेड एसिड बैटरी का। तो इसके कारण रेवेन्यू में कितना डिक्रीज होगा, 15-20% का देख सकते हैं डोमेस्टिक जो ब्रोकर है सेड इन ए रिपोर्ट। तो ये हमारा सीएनबीसी आवाज जो है उसका यहाँ पर न्यूज पेपर है मनी कंट्रोल, तो इस पे बताया गया है कि इतना परसेंट रेवेन्यू डिक्रीज हो सकता है, तो उसका एडजस्टमेंट जो है शेयर प्राइस में अभी ही हो रहा है। तो शेयर प्राइस में पहले से ही एडजस्ट हो जाएगा ये सारा का सारा जो आने वाला फ्यूचर में रेवेन्यू में डिक्लाइन होने वाला है। साथ ही साथ कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आप लिथियम आयन बैटरी का जो फैक्ट्री है उसको लगाना पड़ेगा, साथ साथ उसके रिसर्च पे खर्च करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्टनरशिप अगर करता है ये कंपनी के साथ, इसको पहले अपने रिसर्च पर डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, फिर उसको फैक्ट्री भी लगाना पड़ेगा इसके लिए अलग से, फिर यहाँ प्रोडक्शन होगा, फिर कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा, फिर आपको शेयर प्राइस में जब वो कंपनी प्रॉफिट यहाँ बनाएगी तो वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें क्या लगता है आपको कि 3-6 महीने लगने वाला है, नहीं 2-3 साल लगने वाला है। अभी वैसे भी पैंडमिक चल रहा है तो काफ़ी काम जो है डिले हो रहा है, तो काफ़ी वक्त लगने वाला है, उसके बाद आपको शेयर प्राइस में मूवमेंटम देखने मिलेगा। तो अभी जो गिरावट होगा उस गिरावट में हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे प्राइस पर हम इन्वेस्ट करके आराम से बैठे रहेंगे, जिसके कारण हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। शेयर प्राइस के चार्ट पे आपको दिखाएंगे, कई बार इस कंपनी के शेयर के प्राइस में मतलब गिरावट देखने मिला है, फिर से कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी ले जाएंगे, पहले टेक्निकल को देख लेते हैं। देखिए हम टेक्निकल पे यहाँ पर वीकली चार्ट लगाए हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वीकली चार्ट को फॉलो कीजिए। देखिए कंपनी का शेयर प्राइस रैली कहाँ से किया था, देखिए 350 रुपीज से स्टॉक कहाँ गया था 1000 के प्राइस पर। आप बताइए ये 300% तक का रिटर्न दे चुका है, तो यहाँ पर तो करेक्शन आपको देखने मिलेगा ही। तो जितना स्टॉक मूव किया है, बिजनेस का जो आगे विजन है, जो बिजनेस हमें दिख रहा है कि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कुछ दिन टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से गिरावट हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बना रहा था, इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर बना रहा था। अगर इसके सपोर्ट लेने के बाद ऊपर ये 1000 के ऊपर सस्टेन कर जाता लगातार 2-4 महीने, तो फिर हम इसमें गिरावट इतना नहीं देख सकते थे। लेकिन यहाँ से सपोर्ट को तोड़ा था, अगला सपोर्ट कहाँ है, यहीं पे है 700 पे। तो अब ये 700 के ऊपर या तो कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेगा या तो यहाँ से ब्रेक करता है, तो फिर एक और बड़ी गिरावट हमें 600 तक का देखने मिल सकता है। देखिए ये टेक्निकल चार्ट पे बता रहा है, ऐसे अभी आप देखिए वीकली चार्ट पर ये 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उस पे सपोर्ट ले रहा है 200 के मूविंग एवरेज पर, और ये 200 मूविंग एवरेज जो होता है काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। अगर प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे है तो रेसिस्टेंस देख सकते हैं, पहले ये रेसिस्टेंस यहाँ पर लिया था, फिर देखिए यहाँ पर जब आया था 200 मूविंग एवरेज पर काफी समय तक यहाँ कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से ऊपर मोमेंटम किया। चलते हैं पीछे, देखिए इस शेयर में काफी बार गिरावट हुआ है, देख सकते हैं पहले भी ये शेयर ये देखिए 900 तक गया था, 900 से गिर करके कहाँ तक आया था 570 रुपीज तक। पैंडमिक से पहले ही बात करें, ये जो गिरावट था पैंडमिक में, इस गिरावट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये गिरावट तो पैंडमिक के कारण था, हर स्टॉक में वो गिरावट था, उसके बाद बात करते हैं। देखिए पीछे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर 1000 के ऊपर गया स्टॉक, 1000 के ऊपर यहाँ पे भी गया, वहां से गिर करके देखिए कहाँ आया 770 रुपीज, जहाँ पर लगभग अभी भी स्टॉक है। यहाँ पर फिर से गया 1000 के ऊपर, फिर से सस्टेन नहीं किया, फिर से गिर करके कहाँ आया 670 रुपीज, उससे भी नीचे आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक यहाँ पर जो 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए अगर ये 1000 के ऊपर सस्टेन किया तो 1000 से 2000 जाने में इस स्टॉक को देरी नहीं लगेगा, लेकिन 1000 को क्रॉस करने में ये काफ़ी बड़ा वक्त लगा सकता है। देखिए यहाँ पर 1000 के नीचे लगातार जो 1000 पर रेसिस्टेंस फेस किया, तो उससे पहले ये रैली कहाँ से गया था 14 रुपीज, देख सकते हैं यहाँ पर 14 रुपीज का ये स्टॉक 20 रुपीज का था, 20 रुपीज से ये लगातार 1000 के प्राइस तक रैली किया, तब जाकर के ये 1000 पे लगातार रेसिस्टेंस ले रहा है। तो जितनी बड़ी रैली उतना लंबा कंसोलिडेशन होता है, तो एक लंबा रैली इसमें देखने मिला है कि 20 रुपीज से 1000 रुपीज तक ये गया है।
तो आप वहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ये लगातार यहां पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, 1000 को कभी भी ये क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 1000 से 2000 जाने में ये ज्यादा वक्त ये स्टॉक नहीं लगाएगा, क्योंकि 1000 जो है इसका काफी समय लंबे समय से रेसिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 2015 से ये रेसिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक करने के लिए 1000 के रेसिस्टेंस को एक बड़ा रीजन चाहिए। वो रीजन कहाँ से मिलेगा? इसके बिजनेस के ग्रोथ से। जब ये कंपनी लिथियम आयन बैटरी बनाएगी, कंपनी का अच्छा मार्केटिंग होगा, तो निश्चित है ये 1000 के प्राइस को ब्रेक करेगा। तो अगर आप अभी 1000 पे कोई भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो समझिए आप अभी ट्रैप हो चुके हैं। तो अब आप इंतजार कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, आप इसमें इंतजार कीजिए। या कभी भी ये स्टॉक यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल ये नहीं दिख रहा है कि यह स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करेगा। अब देखिए डेली चार्ट में दिखाते हैं आपको निकलने का कई सारे सिग्नल इस स्टॉक ने दिया, आप कहीं पे भी इस स्टॉक में निकल सकते थे। अगर आपने नहीं निकला तो बहुत बड़ी आपने गलती किया। देखिए ये हमने डेली चार्ट लगाया, अब इस पे आपको बता देखिए स्टॉक को कैसे हम समझेंगे कि स्टॉक में गिरावट हो सकता है। देखिए डेली चार्ट लगाए हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉक ये क्या बना रहा है, न्यू हाई बना रहा है, यहाँ पर देखिए हाइयर हाई बना रहा है, और यहाँ पर देखिए हाइयर लो हाइयर हाई बना रहा है। तो देखिए फिर से चलते हैं, तो देखिए फिर से जो अपना हाई बनाया वो इससे हाई बनाया पिछले से, फिर यहाँ चलते हैं इस बार जो लो बनाया ये पिछले वाले से हाई बनाया, लेकिन इस बार जो हाई बनाया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए 21 फरवरी में इस बार जो यहाँ पर हाई बनाया वो पिछले हाई से क्या था, नीचे था। तो यहाँ पर आपको अब सतर्क हो जाना है, क्योंकि स्टॉक अगर लोअर हाई बना रहा है तो स्टॉक में करेक्शन संभव है, वो करेक्शन बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ फिर से लो बनाया, तो क्या बनाया, लोअर लो बनाया, ये जो लो है पिछले लो से नीचे है। अब ये स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड क्या हो गया, डाउन बार। अब देखिए फिर जो ये हाई बनाया तो पिछले हाई से नीचे बनाया लोअर हाई, अब फिर देखिए यहाँ स्टॉक लगातार यहाँ से गिरते गया और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक कर दिया, और इसके नीचे देखिए फिर सस्टेन भी कर गया। तो यहाँ पर तो आपको मई में सीधे क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि अब ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में नहीं है, मतलब ये स्टॉक बुलिश नहीं है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और उसके नीचे सस्टेन भी कर गया, मतलब ये स्टॉक बुलिश नहीं है। अब इसको बुलिश होने में समय लगाएगा, ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब फिर हम इसमें बुलिश होंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक के ट्रेंड को पहचानिए, बिना स्टॉक के ट्रेंड को पहचाने आप जो है स्टॉक मार्केट में अर्निंग करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो अब आप समझ गए होंगे किसी भी स्टॉक में सिर्फ वीडियो देख करके इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक के ट्रेंड को देखना है। वीडियो जो बनाते हैं मतलब वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स को देखते हैं, टेक्निकली भी हम कई बार डिस्कस करते हैं कि टेक्निकली आपको किस प्राइस के ऊपर निकलता है तो उसमें एंट्री करना है और कहाँ स्टॉप लॉस रखनी है। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी स्टॉप लॉस रखनी है, ऐसा नहीं कि स्टॉक को 1000 पे हमने इन्वेस्ट किया अब ये 100 रुपया तक आ जाएगा तब हम इंतजार करते रहेंगे कि नहीं फिर से 1000 जाएगा, क्या पता अब ये 1000 पे किसी ने इन्वेस्ट किया अब ये 1000 कभी वापस जाए ही नहीं, कंपनी में कोई बैड न्यूज आए, कंपनी का बिजनेस में कोई इफेक्ट आ जाए तो फिर तो उन्हें लॉस बुक करना ही होगा। तो आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपको अपना जो रिस्क है वो देखना पड़ेगा, कितना आप लॉस उसमें ले सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट आपको लेना है। अगर आपको 500% तक का प्रॉफिट लेना है तब तक वेट करना है, 400% का प्रॉफिट लेना है अगर आपके इन्वेस्टमेंट जो आपके डायरेक्शन में जाता है तो वो देखना है। या तो समय फिक्स होता है, लोग कोई 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई 10 ईयर्स के लिए, कोई 3 ईयर्स के लिए, तो हर चीज़ अपना क्लियर रखिए। चलिए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो फंडामेंटल्स दिखेगा कंपनी का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद आप शेयर प्राइस में देख सकते हैं गजब का करेक्शन है। अब देखिए यहाँ अमर राजा बैटरी इसके फंडामेंटल को हम देखते हैं, देखिए फंडामेंटल में मार्केट कैप कितना है 12,000 करोड़ का, और कंपनी का जो पी है 19.4 का है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल यूज करता है उस पर रिटर्न कितना है 22% का, काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है, ये थोड़ा सा कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग 28.1% है, प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम है कंपनी में। अब देखिए यहाँ पर
कंपनी का जो डेट है मात्र 81 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, तो कुछ भी डेट नहीं है, लगभग वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। तो पहला बात, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, तो कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 281 करोड़ का, और कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 4193 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, काफ़ी बेहतरीन है। तो देखिए हर चीज़ कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है। अब हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे। अब देखिए कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं, तो यहाँ देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है कितना जंप हुआ है, देख सकते हैं 6,839 करोड़ था 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कितना हो चुका है 7,150 करोड़ का। तो देखिए 300 करोड़ का जंप है इस पैंडमिक में, तो वो आप इसको कम नहीं कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा जंप है कंपनी के रेवेन्यू में, मतलब सेल्स में, कंपनी के सेल्स में काफ़ी बड़ा जंप है। और 2010 से कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगभग कांस्टेंट रूप से इंक्रीज हुआ है, कभी थोड़ा सा इंक्रीज कभी थोड़ा सा डिक्रीज। अभी देखिए 661 करोड़ का प्रॉफिट है 2020 के फाइनेंशियल में, 21 में 647, यहाँ थोड़ा सा गिरावट आपको देखने मिला है जो एनुअल बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट है। अब देखिए क्वार्टरली बेसिस पर आते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पर देखिए प्रॉफिट में मात्र 4 करोड़ रुपये का गिरावट है, तो कुछ खास गिरावट नहीं है। जहां पैंडेमिक में कई सारे कंपनियों के प्रॉफिट निगेटिव में हो चुके हैं, मतलब कंपनी को लॉस हो रही है, वहीं ये कंपनी लगभग अभी भी उतना प्रॉफिट अर्न करती है जितना कि वो पैंडेमिक से पहले कर रहा था। तो हर चीज़ कंपनी में काफ़ी सॉलिड है। अब इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर देखते हैं, कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो काफ़ी कम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कब से कम हुआ है, 2019 से ही प्रमोटर का स्टेक जो है कंपनी में कम हो चुका है। स्टेक बढ़ा किसका है, तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक देख सकते हैं काफ़ी बढ़ा है, फिर FI का बढ़ा है, जो FIs है DIs जो है उसका स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ा है, कभी बढ़ा भी है कभी घटा भी है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का, देखिए कैश फ्लो भी फाइनेंशियल में पॉजिटिव हो चुका है, तो नेट कैश फ्लो जो कंपनी का पॉजिटिव है, तो हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। तो कंपनी जो है जब इतनी सॉलिड है, तो फिर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्राइस हमारा इन्वेस्टिंग का क्या होगा, वो टेक्निकल चार्ट पे हम जानते हैं कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। सिर्फ हम मैंने वीडियो बना करके आपको बता दिया कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप किसी भी प्राइस लेवल पर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि SIP करें, स्टॉक SIP, एक एक शेयर दो दो शेयर आप हर प्राइस लेवल पे बाय करते रहें, जिससे आपका एवरेज प्राइस जो काफ़ी नीचे होगा। अगर शेयर ऊपर चलते गया तो आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और एक आप देखिए डिविडेंड भी कितनी शानदार रहती है, 1.50% का डिविडेंड यील्ड है। तो फिर मैंने अभी वीडियो बनाया, तो अभी जा करके आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना है। कंपनी अभी शेयर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है वो 600 भी आ जाए, 500 भी आ जाए, तो शेयर है, शेयर किसी भी प्राइस तक नीचे गिर सकता है और किसी भी प्राइस तक ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।